नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर 21वां सप्ताह, राला मंडल की चोटी 782 मीटर ऊंचाई। आज एक बार एक खुशी का मौका यह है कि राला मंडल का आज तीसरा राउंड है हमारा। प्रवीण सावंत जो कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आपका स्वागत है प्रवीण जी। मैं 3.5 लगा चुका हूँ, 3.25, और जब पहुँचेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सर्कल। तो आज आनंद आया, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 3 बोले और 3 लगाए हैं, वो इस बात की पूरी खुशी है। बिल्कुल, मैं इस बात का जिक्र भी करना चाहता था कि पिछला जो 20वां सप्ताह था, मैंने आपसे कहा था कि 3 राउंड, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीटिंग ज़रूर थी। वो चीटिंग ये थी कि प्रवीण सावंत मुझे आधे रास्ते में मिले थे और मैं आधे रास्ते से प्रवीण सावंत जी के साथ लौट आया था, और आज मैं आपकी मुलाकात कुछ और शख्सियत जो हमारे साथ में उनसे करवाने जा रहा हूँ। फ्री प्रेस से ऋचा मैडम हैं, अतुल गौतम जी है। अतुल गौतम जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्री प्रेस के वरिष्ठ संवाददाता हैं, और मुझे लगता है कि कुलपति के बाद यदि विश्वविद्यालय में किसी का जलवा है तो वो अतुल गौतम का है पत्रकारिता में। मैं गलत बोल रहा हूँ मैडम? तो अतुल भाई, कितने राउंड हो गए और कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे लगता है दूसरा सप्ताह है आपका। ये दूसरा सप्ताह है, एक स्किप हो गया बीच में कुछ व्यस्तताओं के कारण, मगर मैंने बहुत गंभीरता से इसको अब चालू किया है और लगातार मैं बना भी रहूँगा, और हर बार आप मिलेंगे क्योंकि दूसरी बार आपसे मुलाकात हुई है दूसरे सप्ताह में, तो आप बहुत रेगुलर हैं, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी इस चीज़ में पुश करें ताकि मैं भी रेगुलर हो जाऊं। बिल्कुल, हमारा ये जो फेसबुक पे और वीडियोस डालने का जो मकसद होता है ना भाई, वो यही होता है कि कम से कम अपने लोग जो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा केयरलेस है, वे इस बात को देखें, इसे सुनें और इसका अनुभव करें। और मैं बार बार कहता हूं कि ये इंदौर का हिल स्टेशन है। ये देखिए आप कितनी खूबसूरती है, पचमढ़ी जैसा नज़ारा जो आपको अगर देखना है इंदौर के अंदर, तो राला मंडल एक छोटा पचमढ़ी आप बोल सकते हैं, इंदौर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दूसरे साथियों को भी इंट्रोड्यूस करें। ऋचा मैडम, आप भी आइए थोड़ा सा। मैं ऋचा मैडम से भी मुलाकात करना चाहूँगा और आपकी भी मुलाकात करवाना चाहूँगा। ऋचा मैडम फ्री प्रेस के वरिष्ठ न्यूज़ एडिटर हैं, और ऋचा मैडम का अभी मेरे हिसाब से आपका भी दूसरा सप्ताह दूसरा सप्ताह है, और दूसरे सप्ताह में आपको अपनी हेल्थ के प्रति क्या लग रहा है? एक बार पहली बार जब चले थे तब क्या अनुभव था, और आज सेकंड टर्म है तब क्या? इस बार थोड़ा ज़्यादा थकान लगी है, पहले बार में ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मगर थर्ड बार में बिल्कुल श्योर है कि थर्ड टाइम पे हम लोग और बेटर करेंगे, और आज से समोसा कचौड़ी सब बंद। मुझे लगता है कि हेल्थ के प्रति यदि अवेयर हैं आप, थोड़ा सा भी अवेयर हैं आप हेल्थ के प्रति, तो मुझे लगता है कि खाने पीने में कोई कोताही बरतने में कोई इतना वो गंभीर बात नहीं है। यदि आप ऐसे ही राला मंडल की 2 या 3 चढ़ाई चढ़ते रहेंगे तो आप हेल्थ में और फिट नज़र आएंगे। वैसे भी चढ़ाई करते हुए समझ में आया कि कितना भारी पड़ता है एक समोसा एक कचौड़ी। फ्री प्रेस के बाकी साथी पिछली बार मैंने देखा था कि काफ़ी क्वांटिटी में थे, इस बार कम क्यों हो गए? क्या हाथ पैर दुखने लगे लोगों से? हाँ, अब हम लोग मोटिवेट करेंगे उनको जाके। हमारा भी मकसद यही है, 21वां सप्ताह था हमारा, और 21 सप्ताह में लगातार हम लोग इसी तरह फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हैं और यूट्यूब पर पोस्ट डाल के सभी लोगों को टैग भी करते हैं। देखिए ये क्या बोलते हैं प्रवीण इसको? प्लैंक। ये प्लैंक प्रवीण का टारगेट है कि अभी 1 मिनट हो रहा है और फिर 2 से 3 मिनट धीरे धीरे करने का मकसद है। वीडियोग्राफी भी हो रही है देखिए, और प्लैंक नवीन यादव धीरे से दम छोड़ चुके हैं, 2 नौजवान अभी भी बरकरार हैं। यही ज़बरदस्त एक माहौल यहाँ पर मिलता है। हम लोग देखते हैं कि लोग दौड़ते हुए करीब 5-5 राउंड यहाँ पर लगाते हुए पाए जाते हैं। लोग 70 से 80 साल के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर लगातार रेगुलर रूप से चढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, और बाकी लोगों से भी कहूँगा कि वे अपना सुबह का जो बिस्तर का लालच है, जो अपने बेड का लालच है, उसे छोड़कर राला मंडल की इस चोटी पर पहुँचे और यहाँ का आनंद लें। एक बार फिर 22वें सप्ताह में हम इसी चोटी से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नवीन